चुनाव में मतगणना का वक्त अब धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और यहाँ पर एकात्म परिसर में भाजपा की जो बैठक होने वाली है उसके लिए कैंडिडेट्स यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो पहुँचने लगे हैं। और हमारे साथ मौजूद है पूर्व छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकीराम कंवल जी, तो उनसे बात करते। सर, इस बार किस तरह का रहा आपका एक्सपीरियंस चुनाव को लेकर? बढ़िया रहा जी, लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी तरफ है। पिछले चुनाव के मुकाबले ये वाला चुनाव किस तरह से अलग है सर? पिछले चुनाव से बेहतर होगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जो विकास का काम पिछले 15 साल में हुआ है, कांग्रेस के ज़माने में 60 साल में नहीं हुआ, 50 साल 60 साल में। और विकास को गति देने के लिए और भाजपा की सरकार बनेगी। सर, पिछला चुनाव किसी वजह से आप लूज कर गए थे, तो उन 5 सालों का जो गैप रहा उसमें आपने किस तरह से तैयारी की? देखिए, ये क्षेत्र विशेष की बात है, लोगों को महसूस हुआ कि मैं विधानसभा में नहीं हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पोलिंग ज़्यादा हुआ है। और सर, इस बार क्या देखते हैं, क्या कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? जीतने की बात छोड़िए, जीत रहे हैं ये समझ लीजिए, मत की बात अलग है। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवल जी, जिनका मानना है कि जीत पक्की है, लेकिन वोटों का मार्जिन क्या रहेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा।